भागलपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा अधिवेशन मनाया गया और इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई और बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया सहित जिले के डीलर्स ने भी हिस्सा लिया। अपनी मांगों को लेकर बैठक भी की गई। मुख्य रूप से उनकी मांगे है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, सभी का बीमा भी किया जाए और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन अपनी मांगों को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में भी अपनी मांगों को लेकर सभी डीलर एकजुट हो गए हैं और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कटारिया ने कहा कि सरकार को डीलर्स पर ध्यान देना चाहिए, अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो 1 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का भी परिवार है, अगर मानदेय नहीं दिया जाएगा तो परिवार वाले भूखे मरेंगे। कमीशन के रूप में 90 पैसा मिलता है, अभी कम से कम 300 रुपया किया जाए। इसके साथ ही जो हमारे साथ मापते हैं उन्हें भी 15,000 रुपये महीने दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। अधिवेशन किया जा रहा है, हमारी मुख्य मांग है, हमारे देश में लगभग 5 लाख जन वितरण प्रणाली दुकानदार और उतने ही उनके तोलने वाले श्रमिकों को सरकारी सेवा का दर्जा दिया जाए, उसमें सरकार समय लगाए, तब तक हमें 300 रुपये प्रति किलोमीटर का कमीशन दिया जाए और हमारा जो सर्वर ठीक नहीं चल रहा है उसको दुरुस्त, मशीन को POS मशीन को दुरुस्त किया जाए ताकि हम सुचारू रूप से कार्डधारी थोड़ा समितित कर सकें और हमारा बीमा योजना भी का भी वो प्रावधान है, हम वो भी करना चाहेंगे, सरकार से करवाना चाहेंगे। उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बचा हुआ कमीशन है NPMGKY और NFSA योजना के अंतर्गत, वो 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष का लास्ट का महीना होता है उसमें हमारे राशन दुकानदारों के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस कार्रवाई पर राशन वितरण करने पर अप्रैल माह का हमारी फेडरेशन विवश हो जाएगी, सोचने पर मजबूर हो जाएगी और हम राशन वितरित करने पर रुकावट भी डाल सकते हैं, रोक सकते हैं, वो हमारी लोकतंत्र कार्रवाई के अंतर्गत है, हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत।